तुम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे है ना। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पहले से पढ़ रखे हैं कि कूलम्ब सुला क्या होता है, उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, इजी हैं, कॉन्सेप्चुअल है, आपको ध्यान से समझना है। कुछ जो कॉन्सेप्ट बाकी रह गए उनको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाते हैं ना। तो पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड कैरिंग चार्ज माइनस Q1 इज मूविंग अराउंड ए चार्ज प्लस Q2। कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, माइनस Q1 है, ये किसी प्लस Q2, मतलब कि जैसे यहाँ पर बना ये प्लस Q2 चार्ज है और माइनस Q1 चार्ज का कोई पार्टिकल है, इसके अराउंड में मोशन कर रहा है। इसके अराउंड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ध्यान से रखना। प्लस Q2 कोई चार्ज है, इसके अराउंड में एक पार्टिकल जिसपे चार्ज कितना है, माइनस Q1 है, मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। हाफ रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको, आर गिवन है, रेडियस कितना गिवन है, आर। चलो साफ सुंदर सुशील फिगर बनाते हैं, पॉजिटिव Q2 है ना, Q2 चार्ज बना लो। अब यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे उस एफ ए आपका माइनस Q1 क्या कर रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है आर, कितना गिवन है आर। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ऑफ द चार्ज माइनस Q1, इफ का माइनस Q1 का जो पार्टिकल यहाँ पर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, अबाउट प्लस Q2 इज गिवन। आपको ये चीज प्रूव करना है, तो प्लस Q2 माइनस Q1 पे फोर्स लगाएगा, अपोजिट चार्ज है तो वाजिब सी बात है कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर ये लगातार मोशन कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। कैसा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों अगर इक्वल होंगे तभी वो लगातार कंटिन्यूस क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो आपको लिख देना है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्लस Q2 एंड माइनस Q1, ये इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। अच्छा हम लेट कर ले रहे हैं जो आपका माइनस Q1 पार्टिकल है वो वी वेलोसिटी से, वी स्पीड से मोशन कर रहा है, ठीक है। जो आपका प्लस Q2 के अराउंड में जो Q1 है कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, वी स्पीड से मोशन कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का अकॉर्डिंग फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² डिस्टेंस हमने देख रखी है, डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ से यहाँ तक का, ये प्लस Q2 और ये माइनस Q1, ये डिस्टेंस कितना है r है, इसकी स्पीड कितनी है, v स्पीड है ना। अच्छा एक पर में सेंट्रीपिटल फोर्स mv² / कितना होता है भाई r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r इज इक्वल टू mv². हमको टाइम पीरियड में v नहीं लाना, तो ऐसा करते हैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें, तो v की वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, m को इधर ट्रांसफर कर दो, mr इज इक्वल टू v², v की वैल्यू स्क्वायर हटाते हो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/mr, वो भी पूरा किसमें है, रूट में, v निकाला है। अब आप ये कह रहा है कि प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो आपको यहाँ पे लिखना है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज माइनस Q1 अबाउट प्लस Q2। अब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड, हमको टाइम का फार्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे एक राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर, सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो डिस्टेंस आपको मिल गया 2πr, और कितनी स्पीड से मोशन कर रहा है, वी स्पीड से मोशन कर रहा है, तो वैल्यू आप रख दो 2πr और v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितना मिल जा रहा है भाई, रूट में 1/4
रूट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान में कितना है एम आर, अपान में कितना मिलने वाला है आपको एम आर। अच्छा ये जो अपान वाली चीजें ऊपर ले जाओ टी इक्वल टू टू पाई आर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एम इन टू आर और यहाँ पे क्या है क्यू वन क्यू टू है ना, जो अपान वाली चीजें ऊपर चलेंगी टू पाई आर को आप अंदर ट्रांसफर कर दो अंदर आके हो जाएगा टू के स्क्वायर फोर इंटू पाई स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा भाई आर स्क्वायर और साथ में है फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एम आर और अपान में क्यू वन क्यू टू। अब आपको वैल्यू मिल जाने वाली है टी इक्वल टू फोर इंटू फोर सिक्सटीन लाना क्या है पाई क्यूब स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट लाना है एप्सिलॉन नॉट हमने नहीं लिखा ये लिखा है ना एप्सिलॉन नॉट लिख लो और एम आर क्यूब एम तो है ठीक आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब हो जाएगा और अपान में क्या चीज बच रहा है क्यू वन क्यू टू अपान में क्यू वन और क्यू टू ये आपका क्या हो गया टाइम पीरियड हो गया टाइम ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। तो ध्यान देना पॉजिटिव क्यू चार्ज के इक्वल में अराउंड में माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है मोशन कर रहा है तो आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सेंट्रीपेटल फोर्स के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला कूलम के अकॉर्डिंग निकाल लेना और सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हमने वी की वैल्यू निकाल ली हमको टाइम पीरियड का फार्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड होता है डिस्टेंस टू पाई आर स्पीड में कितने हमने कैलकुलेट कर लिया अभी इसको आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर एकदम आ जाएगा ना नोट कर लो भाई इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है द सम ऑफ टू पॉइंट चार्ज ये जो 7 माइक्रो कूलम दे रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक न्यूटन के फोर्स से रिपल करते हैं व्हेन केप 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। इनका कहने का मतलब है दो पॉइंट चार्ज है अगर हम निकल लें पॉजिटिव क्यू वन है और ये पॉजिटिव क्या है क्यू टू या तो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे तभी तो रिपल करेंगे है ना। तो अब क्या होता है इन दोनों चार्जेस का सम 7 माइक्रो कूलम मतलब आपको दिया गया है क्यू वन प्लस क्यू टू 7 माइक्रो कूलम कितना है 7 माइक्रो कूलम द रिपल ईच अदर अब इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन फोर्स जो लग रहा है वो 1 न्यूटन का है कितना है 1 न्यूटन का है व्हेन केप 30 सेंटीमीटर आर दे दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 टू द पावर माइनस 2 से क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो। अच्छा अब कह रहे हैं अलग अलग चार्ज की वैल्यू बताओ क्यू वन और क्यू टू आपको फाइंड करना है क्यू वन और क्यू टू का सम दे दिया गया है 7 माइक्रो कूलम का रिपल्सन फोर्स है 1 न्यूटन का कितना है भाई 1 न्यूटन का। अच्छा और आर दे दिया गया है दोनों चार्जेस के बीच के जो सेपरेशन है डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। क्यू वन और क्यू टू की अलग अलग वैल्यू आपको बताना है बहुत ईजी है कैसे करेंगे देखो आप फोर्स का फार्मूला आपको पता है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान में होता है आर स्क्वायर फोर्स कितना ले रहे हैं यहाँ से 1 न्यूटन का है तो हम 1 नोट कर लेते हैं के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यू वन क्यू टू आपको नहीं पता है आर स्क्वायर 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे। अच्छा अब यहाँ पे कैसे होगा भाई 1 को आप नोट कर लो या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है 2 जा 4 हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई में इस डायरेक्शन में आके किस में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू क्यू वन एंड क्यू टू तो यहाँ से हमको क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू मिल जाती है कट करो 900 को 9 से भाग देंगे 100 मिल जाएगा 100 को आप कितना ले सकते हो 10 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4 और यहाँ पे ये ऊपर जाके माइनस कितना हो जाता है 9 हो जाता है। तो Q1 Q2 की वैल्यू 10 की पावर 2 माइनस 9 और माइनस 4 माइनस 13 Q1 इंटू Q2 10 टू द पावर माइनस 11 इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो मानना चाहो ये हमारा होता है अभी नहीं मानना चाहे छो
समझ में है, f is equal to k q1 q2 upon r square, आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लो। अच्छा अब यहाँ पे q1 plus q2 का जो वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम दिया गया है। अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद करना पड़ेगा, एक इक्वेशन q1 plus q2 है तो दूसरी इक्वेशन आपको q1 minus q2 बनानी पड़ेगी। तो आपको फार्मूला ये याद रखना है, q1 minus q2 का स्क्वायर होता है q1 plus q2 का होल स्क्वायर minus 4q1 q2। कैसे होता है इसको सॉल्व करो, a minus b का होल स्क्वायर q1 स्क्वायर plus q2 स्क्वायर माइनस टू क्यू वन क्यू टू। एल एच एस में हमको ये मिला, आर एस एस अगर हम सॉल्व करें, क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर प्लस टू क्यू वन क्यू टू, और यहाँ पे माइनस फोर क्यू वन क्यू टू है, क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर, टू और माइनस फोर माइनस टू क्यू वन क्यू टू, दोनों चीजें इक्वल आ रही है ना। मतलब इस चीज को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इक्वेशन बनाने के लिए। फायदा क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। क्यू वन माइनस क्यू टू का स्क्वायर, क्यू वन प्लस क्यू टू की वैल्यू आपको मिल गई 7, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 का क्या कर देते हो स्क्वायर, माइनस फोर इंटू q1 q2 को वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 10^-11 माइनस करें 7 के स्क्वायर कितना होता है भाई 49, माइनस 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 12। अब इसको आप लिख सकते हो 4 × 10^2 कितना माइनस करेगा। अब ये अगर 10^-12 है तो यहाँ भी पावर माइनस 12 होना चाहिए, इसके लिए आप करते क्या हो 10^-1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसा करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है ना। अच्छा 49 10^-12 माइनस, अब यहाँ 4/10 या फिर 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 40, यहाँ पे पावर 10 की कितना है ना, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 11 और माइनस 1 पावर आपको मिल जाती है माइनस कट रहे। फिर से समझो 49 10^-12 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 40 मिल जाता है, पावर 11, ये पावर ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 11 माइनस 1 माइनस कट रहा है। अच्छा 10^-12 हमको मिल जाता है कॉमन 49, फिर ब्रैकेट में बचेगा क्या भाई 49 − 40, है ना। आप इसको लिख सकते हो 9 × 10^-12 किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है q1 − q2 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 3 × 10^-6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो q1 − q2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 × 10^-6, या फिर 3×10^-6 को आप लिख सकते हो माइक्रोकूलाम, ये इक्वेशन आपको हो जाता है सेकेंड। q1 + q2 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलाम है, q1 − q2 की वैल्यू 3 माइक्रोकूलाम। ऐसा करें हम दोनों को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो q1 और q1 ऐड होके कितना मिल जाएगा आपको 2q1 मिल जाएगा, प्लस q2 − q2 कट के 0 हो जाने वाला है ना, 7 माइक्रोकूलाम में 3 माइक्रोकूलाम आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 10 माइक्रोकूलाम, 2 से डिवाइड करो तो q1 की वैल्यू आ जाती है 5 माइक्रोकूलाम। क्यूबर की वैल्यू कितनी मिल जाती है 5। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, यहीं पे लगा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्यूबर की वैल्यू रखना है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रखते हैं 5 माइक्रोकूलम प्लस q2 इक्वल में 7 माइक्रोकूलम, q2 इक्वल में 7 − 5 मतलब 2 माइक्रोकूलम, तो ये q1 और q2 की क्या हो गई वैल्यू हो गई। कुछ है नहीं, आप q1 × q2 का वैल्यू निकाल लेते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा q1 − q2 को q1 + q2 और q1 × q2 ग्रुप में कैसे तोड़ेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर नोट आ जाएगा, नोट कर लो भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए, तो ध्यान से सुनिए। 2 free point charge प्लस 4e and + e आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस a अपार्ट। देखो भाई क्या होता है, यहाँ पे 2 point charge हैं प्लस 4e और + e,
इनके बीच की जो डिस्टेंस है एक ही मिनट, कितने डिस्टेंस के लिए एक मिनट, ठीक है। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड बिटवीन देम, इनके बीच एक तीसरे चार्ज को कहां पे रखा जाए, ठीक है, कि बिटवीन देम सच दैट द एंटायर सिस्टम में बी इन इक्विलिब्रियम। अब इस तीसरे चार्ज को आप कहां पे रखोगे, पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि वस्तु में आ जाए, है ना। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ क्यू, अब देखो ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, तो रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ताकि दोनों को क्या कर सके, बांध के रख सके, है ना। तो साइन तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इस 4e के इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम आप प्लस 4e, देखो पॉजिटिव ई 4e पे एक फोर्स लगाएगा जो कि क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। तो हम उस फोर्स को इफ डायरेक्शन में शो करते हैं, वो मान लेते हैं एफ है, क्या है, प्लस ई, इस पे एक फोर्स लगा रहा है इफ डायरेक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज माइनस है तो ये अपनी ओर खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग रिलेट कर लगाएंगे एफ डैश, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, जितना चार्ज प्लस ई इस पे लगाएगा उतना ही चार्ज माइनस क्यों क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तभी ये अपनी यथा स्थिति पे रहेगा, जहाँ पे वहीं पे रहेगा, वहां से कहीं जाएगा नहीं। हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर प्लस ई इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इफ डायरेक्शन लगा रहा है तो माइनस क्यू अपनी ओर क्या करेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तभी ये प्लस 4e इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि एफ और एफ डैश मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ और एफ डैश क्या हो जाएगा, इक्वल। एफ क्या है, ई की वजह से 4e पे लगने वाला फोर्स है, है ना। अच्छा यहाँ से हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, तो हम लेट कर लेते हैं पॉइंट ए से, ये बी है और ये सी, ए से सी तक की डिस्टेंस एक्स, पूरी डिस्टेंस ए है, ए से सी तक की डिस्टेंस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी। अब आपको चाहिए क्या, प्लस ई की वजह से 4e पे कितना फोर्स लग रहा है, फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1, Q2, Q1 आपका कितना है 4e है, Q2 कितना है e, अपान में r स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है तो a का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। f डैश क्या है, माइनस क्यू इस 4e पे कितना फोर्स लगाया, फार्मूला 1/4πε0, Q1 कितना है 4e, Q2 आपका क्यू है, अपान में दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने x मान रखी है, तो क्या हो जाएगा x square, ये वैल्यू से वैल्यू कैंसिल, e से e कैंसिल हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा e अपान a square is equal to q अपान x square, तो यहां से q की वैल्यू हो जाती है e x square अपान a square। 1/4πε0 से 1/4πε0 हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 e से e कैंसिल कर दे, तो e अपान a स्क्वायर q अपान x स्क्वायर, हमको q की वैल्यू चाहिए तो q की वैल्यू e x स्क्वायर अपान a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कह रहा है कि इस प्लस q चार्ज को कहां पे रखा जाए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली x डिस्टेंस रखे, हमको x चाहिए। अच्छा ये बताओ कि माइनस क्यू के लिए होल सिस्टम इंटायर सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब जहां पे क्यू है वहीं पे रहेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। अब 4e इस पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये प्लस में है माइनस, ये अपनी ओर खींचेगा, प्लस ई इस पे क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, लेकिन क्यू क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होना चाहिए, तो 4e की वजह से जो क्यू पे फोर्स लगेगा वो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू इक्विलिब्रियम, प्लस 4e इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स प्लस e लगाएगा, आप इतना याद रखो, फार्मूला आपका हो जाएगा 1/4πε0, 4e इस पे कितना फोर्स लगाएगा, q1 का मतलब 4e, q2 का मतलब कितना है
क्यों? अपान में दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है तो एक्स स्क्वायर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, मतलब ई इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू वन कितना है? ई है। क्यू टू कितना है? क्यू है। आप नेगेटिव साइन नहीं रखते हो। अपान में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाता है। EQ से EQ कैंसिल 1 अपान 4 पाई से 1 अपान 4 अपान x स्क्वायर। एक पर में कितना बच रहा है? 1 अपान में a माइनस x का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 2 अपान x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपान a माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 अपान x की वैल्यू 1 अपान a माइनस x, 2 का a से मल्टीप्लाई 2a माइनस टू एक्स, एक पल में कितना हो जाता है एक्स, टू ए एक पल में माइनस टू एक्स इधर आके प्लस टू एक्स, टू एक्स और एक्स ऐड हो के थ्री एक्स, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है टू ए अपान थ्री। इतने डिस्टेंस पे क्या किया जाएगा? क्यू को रखा जाएगा। अब कह रहा है क्यू का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली उसको इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट q इज इक्वल टू e अपॉन a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन में 3 के स्क्वायर 9, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, q आपका हो जाएगा 4e और अपॉन में कितना 9। इतना आपका चार्ज होना चाहिए, इतने कूलम का चार्ज आपका होना चाहिए। फिर से समझ लो क्या कह रहा है, प्लस फोर ई और प्लस ई दोनों ए डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, प्लस अरे चार्ज आपका क्यों है वो कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्या रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब किसी पे कोई फोर्स ना फैलाए। तो प्लस ई इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब फोर ई पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो जितना प्लस ई लगाएगा उतना ही क्या लगाना चाहिए, माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है वो अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन क्यू टू अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, वो माइनस क्यू वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन ये है क्यू टू ये। आप इसको सॉल्व करके चार्ज क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। अब माइनस क्यू फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज माइनस क्यू, माइनस चार्ज क्यू के लिए मतलब फोर ई इस पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स प्लस ई लगाएगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन फोर ई, क्यू टू क्यू अपान में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो भाई, प्लस ई इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा तो इक्वल का निशान लगा देते हैं, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन ई है, क्यू टू आपका कितना हो जाता है क्यू, अपान में दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्या कर देते हो आप, स्क्वायर कर देते हो। इसको हमको सॉल्व करना है, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो जाता है, फोर ई क्यू से ई क्यू से ई क्यू कैंसिल, फोर अपान एक्स स्क्वायर हम नोट कर लेते हैं, अपान में ए माइनस एक्स, टू अपान एक्स का होल स्क्वायर वन अपान ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल, टू अपान एक्स की वैल्यू वन अपान ए माइनस एक्स हो जाता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, एक्स की वैल्यू मिल जाती है। अब यही एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के आप किसकी वैल्यू निकाल लेते हो, क्यू वैल्यू। कुछ क्वेश्चन थे इसको आप समझ लो, आप आगे के जो कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक, धन्यवाद।